तो दोस्तों आईपीएल को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आईपीएल की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है। और ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम आरसीबी के बारे में, जहां पर दोस्तों एरन फिंच ने यहां पर कप्तान विराट कोहली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर यहाँ तक दोस्तों डेविड वार्नर की आरसीबी में एंट्री को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर सामने आ गई हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है एरन फिंच की तरफ से। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एरन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान है और इसी के साथ टीम आरसीबी का हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन के अंदर यहां पर एरन फिंच को टीम आरसीबी ने रिलीज कर दिया था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहां पर टीम आरसीबी के ऊपर स्पेशली उन्होंने कप्तान विराट कोहली के ऊपर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है। दोस्तों अपने बयान में कहा है कि विराट कोहली एक बेस्ट प्लेयर है, जितने भी प्लेयर के साथ उन्होंने खेला है उनमें विराट कोहली जैसा खिलाड़ी उन्हें कोई भी नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों उनका कहना है कि यहां पर तीनों ही फॉर्मेट के अंदर कप्तान विराट कोहली का कोई भी तोड़ नहीं है। दरअसल जो बात करूं यहां पर वनडे क्रिकेट के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि विराट कोहली जस्ट अनबिलीवेबल हैं। और इसी के साथ T20 के अंदर उनका कहना है कि विराट कोहली सिंगल हैंडेडली इन मुकाबलों को जीत सकते हैं, जैसे कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप यहां पर मोहाली के अंदर जीत के दिखाया था। और वहीं बात करूं दोस्तों टेस्ट के बारे में, तो दोस्तों उनकी राय थी कि यहां पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर वो स्टार्ट हो जाए तो उनको देखना काफी ज्यादा रोमांचक हो जाता है, और ऐसे में उनके मुकाबले देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है और मैं अलग ही यहां पर प्राथमिकता देता हूं कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखने के लिए, और इसी कारण कप्तान विराट कोहली की मैं भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। तो दोस्तों यहां पर कप्तान विराट कोहली के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट जताते हुए यहां पर दोस्तों उनकी तारीफ करी है यहां पर दोस्तों एरन फिंच ने। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है, दोस्तों आप उनकी तारीफ से सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल 2021 का जो फेज टू है वो दोस्तों यूएई के अंदर होने वाला है, और दोस्तों यूएई के अंदर जो स्टार्टिंग होने वाली है वो दोस्तों 19 सितंबर से लेकर यहाँ पर दोस्तों 15 अक्टूबर तक रहेगी। दरअसल दोस्तों 15 अक्टूबर को यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आईपीएल 2021 के फेज टू का। और ऐसे में दोस्तों बात करूँ शेड्यूल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट थी उसके मुताबिक यहाँ पर दोस्तों 15 जुलाई तक जो शेड्यूल जो रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे में दोस्तों अपडेट जो निकलकर सामने आया पर इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से बड़ी बड़ी यहाँ पर दोस्तों स्पोर्ट्स वेबसाइट का दबा है कि यहाँ पर दोस्तों जो शेड्यूल है आईपीएल 2021 के फेज टू का जो कि यूएई के अंदर होने वाला है उसकी दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर दोस्तों हो सकता है शेड्यूल जो अनाउंस हो सकता है वो दोस्तों 18 जुलाई तक या और नहीं तो दोस्तों 20 जुलाई से पहले तो आपको डेफिनेटली जो शेड्यूल जो है ऑफिशियली अनाउंस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 18 जुलाई तक का वेट है फिलहाल, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स वेबसाइट का दावा है कि यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 18 जुलाई को यहाँ पर जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों आप शेड्यूल के लिए एक्साइटेड है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वही बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर दोस्तों डेविड वार्नर को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेविड वार्नर जो है हैदराबाद की टीम के कप्तान रह चुके हैं, और दोस्तों काफी लंबे समय से कप्तानी उन्होंने संभाली है और इसी के साथ यहाँ पर आईपीएल भी जिताया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल यहाँ पर दोस्तों डेविड वार्नर से उनकी कप्तानी छीन ली गई है, और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर एक नया कप्तान यहाँ पर निकल कर सामने आया है, और दोस्तों ये कप्तान है यहाँ पर दोस्तों केन विलियमसन। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर डेविड वार्नर को ना केवल नया कप्तानी से बल्कि यहाँ पर टीम से यहाँ प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों इस बात को आप मानकर चलिए कि अगले साल जो है डेविड वार्नर आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर आईपीएल 2022 के ऑक्शन के अंदर। और ऐसे में दोस्तों टीम आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हैसन ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। दरअसल दोस्तों का कहना है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन दमदार यहाँ पर दोस्तों ओपनर शामिल करना चाहते हैं, और ऐसे में दोस्तों उनकी नजर यहाँ पर डेविड वार्नर पे है। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर की काबिलियत को यहाँ पर टीम आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हैसन जो है काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनको पता है कि उनके एक्सपीरियंस का, उनकी खतरनाक ओपनिंग का और उनकी बल्लेबाजी का यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं टीम आरसीबी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाएगी, और कैसे भी करके यहाँ पर टीम आरसीबी जो डेविड वार्नर को अपनी टीम में शामिल करने
करने का हर संभव प्रयास करने वाली है आईपीएल 2022 के ऑक्शन के अंदर। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर यहाँ पर डेविड वार्नर एंट्री कर जाते हैं टीम आरसीबी के अंदर यहाँ पर आईपीएल 2022 के अंदर, तो इससे यहाँ पर टीम आरसीबी को कोई मदद या पर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियोस, वीडियो के अंदर मैंने आपको आज के यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।